नेक्स्ट इज एम्डल्स लॉ। एक्चुअली तो इस लॉ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसके क्वेश्चंस को एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं बार आपको देखने मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया है जिसको आपको एप्टीट्यूड लगाना ही नहीं है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप उस क्वेश्चन को विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। गॉट अ पॉइंट? व्हाट द फॉर्मूला सेज एक्चुअली, इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम और ओवरऑल इंप्रूवमेंट पॉसिबल बाय इंप्रूविंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। सुनना, हमारे प्रोग्राम में या हमारे पूरे यूनिट में हो सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो या फिक्स्ड पॉइंट यूनिट हो या कोई मल्टीप्लिकेटिव यूनिट हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, बात समझ में ही? तो हमने पूरे सिस्टम को ना इम्प्रूव करके सिस्टम के किसी पार्ट को इम्प्रूव किया बाय फैक्टर एफ, बात समझ में ही? तो ओवरऑल सिस्टम का इम्प्रूवमेंट क्या होगा, दैट इज गिवन बाय एम्डल्स लॉ। एंड व्हाट लॉ सेज, स्पीड अप, ओवरऑल स्पीड अप, दैट इज ओवरऑल स्पीड अप, है ना, दैट इज ओवरऑल स्पीड अप, वन अपॉन वन माइनस पी प्लस पी अपॉन एन, वेयर वन माइनस पी इज द सिक्वेंशियल फ्रैक्शन, मतलब वो पार्ट जो कि सिक्वेंशियली हो रहा है, P इज द फ्रैक्शन जिसको हमने इंप्रूव किया है, एंड N इज द फैक्टर जिस फैक्टर से हमने उसको इंप्रूव किया है। गॉट अ पॉइंट? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यू विल गेट द बेटर आइडिया। सपोज दैट अ टास्क मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन विद 40% ऑफ द टाइम is consumed by floating point operation 40% time with a new hardware design. If the floating point module is speed up by factor 4, what is the overall speed up? Got a point? What is the overall speed up? Now sunna, agar aapko formula yaad hai to aap simply laga dijiye, 1 upon kitna fraction इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज 0.4, कितना फ्रैक्शन हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, दैट इज 1 माइनस 0.4 विल गिव यू 0.6, एंड इसको कितने से इंप्रूव कर रहे हैं बाय फैक्टर 4, व्हाट यू विल गेट, 1 अपॉन 0.6 प्लस 0.1 इज 1 अपॉन 0.7। गॉट अ पॉइंट? आंसर आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया फॉर्मूला, फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है जो कि गेट के लिए सबसे मस्ट है, गॉट अ पॉइंट, तो ये फॉर्मूला भूल जाइए। अगर मुझे फॉर्मूला ना पता होती तो मैं कैसे करता, सिंपली प्लीज मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना, 60% एंड 40%, 60% को तो हमने इंप्रूव किया ही नहीं, लेट अर्लियर बोथ वर टेकिंग वन, बस समझ में ही, 60% को तो हमने इंप्रूव किया ही नहीं, तो इसको तो अगेन वन ही लगा, लेकिन 40% को हमने वन से वन बाय फोर, मतलब जो वन लग रहा था वो फैक्टर फोर से इंप्रूव कर लिया, दैट इज 1/4, that is improved to 1/4, that is plus 0.4 into 1/4, that will you will get 0.7. earlier what it was taking, that is one fraction, now it is taking 0.7. cut a point? Sunna, earlier 0.6 and 0.4 for 33% and 40% both were taking 1/1, but in next new design this 60 is again taking 1 because it is in sequential. Now this is
आप इस आपने इसको क्या कर दिया, पैरेलल मैकेनिज्म या एक नई डिजाइन से बाय फैक्टर 4 से इंप्रूव कर दिया। मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 1/4 लगेगा, 0.4 इंटू 1/4 दैट विल गिव यू 0.1, अर्लियर इट वॉज टेकिंग 1, 0.6 इंटू 1 एंड 0.4 इंटू 1, बट नाउ इट इज टेकिंग 0.7, तो हाउ मच इंप्रूवमेंट, 1/0.7, गॉट द पॉइंट, दैट इज द ओवरऑल स्पीड अप। जो भी इसका आंसर निकलेगा यू कैन कैलकुलेट दैट। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल दैट इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ओके, इज देयर एनी डाउट?